ये फोटो में जो है वो मैं ही हूँ। लेकिन लेकिन ये साथी झूठी है। तो सच क्या है? अरे बापू जी सच ये है। अरे बाप रे फंस गया, अब बापू जी को सच कैसे बताऊं? ये जेठा जी चुप क्यों हो गए? लगता है उन्होंने सच्ची मुच्ची दूसरी शादी की है। नहीं 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 मुझे यकीन नहीं हो रहा। बता बता सच क्या है? बापूजी मैं आपको सच बताऊंगा तो आप मुझे मारोगे तो नहीं ना? जेठिया, अरे ऐसा क्या किया है तुमने कि मुझे तुझे मारना पड़े? बता दया, शादी से पहले मुझे गुजराती पिक्चर में हीरो बनने का शौक था, एक्टिंग करनी थी, लेकिन बापूजी ने मुझे मना कर दिया था कि ये नाटक चटक अपना काम नहीं है, तो धंधे में ध्यान दे। तो मैंने बापूजी की आज्ञा का पालन किया और अपना सारा ध्यान धंधे में केंद्रित किया, भूल गया अपने सपनों को। फिर अचानक एक दिन मेरे 3-4 दोस्त मुझसे मिलने आए, कहने लगे ए जेठिया हम लोग वो कश्मीर और उत्तर भारत की पहाड़ियों में घूमने जा रहे हैं, आता क्या हमारे साथ? मैंने बापूजी से पूछा, बापूजी हाँ मुझे दोस्त भेगो फरेला बनी सका तो मतलब क्या मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जा सकता हूँ? तो बापूजी ने मुझसे कहा जा घूम के आ, जी ले अपनी जिंदगी। तो मैं गया जीने मतलब घूमने अपने दोस्तों के साथ उत्तर भारत के पहाड़ियों में उन खुशनुमा वादियों में। राम तेरी गंगा मैली काय हो? नहीं मतलब बिल्कुल वैसी स्टोरी लग रही है। नहीं घूमते घूमते मस्ती करते दोस्तों के साथ हम लोग पहुंचे एक वो गांव था, उसका नाम बहुत प्यारा गांव था, कुछ भटोकड़ा भटोकड़ा ऐसा कुछ गांव का नाम था। मत सुनना। हाँ मटकुंडा। तो मटकुंडा गांव की धर्मशाला में हमने वहाँ रात बिताई। फिर दूसरे दिन सुबह वो मटकुंडा की धर्मशाला से मैं अमथालाल पराग वीरजी मणिलाल हम सब लोग घूमने निकले और फिर घूमते घूमते रब कहाँ कहाँ घूमने गया वो छोड़, ये शादी का झमेला क्या है वो बता। और मैं बताता हूँ जी, मैं सब समझ गया हूँ, मैं आपको सारी बात बताता हूँ। बागा जरा परे आठ दीवार से हो जी। हाँ मटकुंडा गांव में इस लड़की की शादी हो रही होगी और उस शादी में जो उसका होने वाला दूल्हा होगा ना वो बड़ा लालची होगा, उसने बहुत सारे दहेज की डिमांड की होगी और दहेज इसके पिताजी दे नहीं पा रहे होंगे। वो दूल्हा जब शादी के मंडप से भाग गया होगा तो उसके पिताजी रोना शुरू हो गए होंगे कि अभी मेरी लड़की से शादी कौन करेगा, और तब तब अपना जेठा परा चाचा जी जिसमें आपके संस्कार है एकदम हीरो के माफिक वहां पहुंचा होगा और उसने इस लड़की का हाथ थाम के इससे शादी कर ली होगी। याद आया यार क्या? ओ ये स्टोरी राम तेरी गंगा मैली पिक्चर की नहीं है तो ये अभी ऐसे कैसे बताऊं? तू बता बता तू शिक्षक है ना? मैं कहां फिल्म में देखता हूं बोल ना भाई। ओ ये है विरासत की, और ढोल बजने लगा अरे नहीं नहीं सोठी ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अरे तो क्या हुआ था बापूजी? दरअसल हुआ यूं था कि अरे वीरजी अरे पराग अरे मणिलाल अरे क्या तुम लोग मुझे पीछे छोड़ के अकेले इधर
आगे। यार तू आधे घंटे तक तेरे को उठा है यार, तू उठा ही नहीं यार। सोने थोड़ी आए हम, छुट्टी मनाने आए। अरे वही तो, छुट्टी में भी कोई थोड़ी जल्दी उठता है। यार चलो अभी चलते हैं। कहाँ? घूमने। अरे घूमने, लेकिन कहाँ घूमने? एक मिनट, किसी से पूछते हैं। अरे भाई साहब, यहाँ घूमने की कौन सी जगह है? साहब जी, यहाँ तो हर जगह घूमने का है। नहीं नहीं, अच्छी घूमने की जगह, मतलब कुछ अलग क्या देख सकते हैं यहाँ? साहब जी, आपको पिक्चर की शूटिंग देखना पसंद है? पिक्चर की शूटिंग? हाँ, कहाँ चल रही है? इधर पास में झील है, झील की उस पर। अच्छा, थैंक यू। अरे चलो ना, शूटिंग देखने जाते हैं। नहीं, अरे मजा आएगा। हेलो, अरे एक बार देखने गया था, बोर हो गया था, नहीं आना है यार। तो ठीक है, मैं तो जाता हूँ, शाम को मिलता है, ठीक है? चलो चलो, अपन भी चलते हैं। एवरीथिंग इज रेडी? यू रेडी? ओके, कम ऑन, कम ऑन डीना, कॉल दूल्हा। अरविंद, वेयर इज दूल्हा? वेयर इज ही? सर, ही विल कम इन टू मीट सर। ओके, चल 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 चल। तो सही बिल्कुल बात। अरे दूल्हा कहाँ है? वो आज आया नहीं। आया नहीं? क्यों नहीं आया? पहले क्यों नहीं बताया? कल आया था, पूरा दिन बिठा के रखा, एक भी शॉट लिया नहीं, इसलिए आज आया नहीं। अरे अब मैं क्या करूंगा? क्या कर सकते हैं अपन लोग? शूटिंग शूटिंग चल रहा है इधर। टूरिस्ट जटालाल चंपकलाल गड़ा, इधर घूमने आयो? घूमने आया, लेकिन अभी इधर शूटिंग देखने आया हूँ। पिक्चर में काम करोगे? कौन, मैं? हाँ हाँ, तुम। टूरिस्ट दूल्हे का रोल है, मेन हीरो है, हीरो। कमल पारखो नजर है आपके भाई। कमल, आपको पता चल गया कि मुझे बचपन से एक्टिंग का शौक है। एक मैं नमूना पेश करता हूँ एक्टिंग का। अरे बहुत जबरदस्त एक्टिंग करता हूँ मैं। हाँ। सरपंच, तो मालतीनो बाप से करीने तने माफ कर दऊं सो। बाकी तारा जवा 70 सोना 60 हमें आवी जाए ना, तो खेतर में ढोल नो डेफो फेंके नाम पंखेड़ा ने उड़ाड़ी मुको। આમ તારા ગલુડિયા જવા ગુંડાઓને અને તને એક ઘડીમાં આ ગામમાંથી ઉડાડી ન મૂકો તો હું ખમાનસિંહ ઠાકોરનો 10મો દીકરો જસલ ખમાનસિંહ ઠાકોરને આ વાહ વાહ, બઢિયા બઢિયા, ચલો 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 ચલો। અરવિંદ, કમિન કમિન। અરે ઇસકો ફટાફટ દુલ્હે કે કપડે દે દો। હા ચલો ચલો જલ્દી ચલો। અરે વાહ દુલ્હા, અરે ભાઈ, લેકિન ડાયલોગ ડાયલોગ ક્યાં બોલને કે? ડાયલોગ કુછ નહીં હૈ, મૂંગી પિક્ચર હૈ। ક્યા पिक्चर? साइलेंस है। अरे डॉक्यूमेंट्री है, शहर के टूरिस्ट लोग यहाँ घूमने आते हैं और यहाँ की भोली भाली पहाड़ी लड़कियों से शादी करते हैं, फिर अपने काम से शहर जाते हैं और वापस भी नहीं आते हैं। बेचारी लड़कियाँ जिंदगी भर परदेसी भाभी को अपने पति मानकर इंतजार करती रहती है। वाह वाह, बढ़िया बढ़िया, मस्त स्टोरी है। लेकिन यह शादी तक बात पहुँच जाती है, तब तक लड़का लड़की कोई बातचीत नहीं करते, कोई डायलॉग वायलॉग नहीं है? हाँ सर आया, डायलॉग बाद में देता हूँ, अभी खाली शादी का सीन है, उसमें डायलॉग नहीं है। फटाफट तैयार हो जाओ, जाओ फटाफट इनको कपड़े दे दो, दूल्हे को जाओ। चलो भाई साहब, चलो जल्दी 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 चलो। एंड एक्शन। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणेश मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायनम तनो हरि। क्रेन क्रेन अप, क्रेन अप। स्मृता हर दिवे तुम्हे सृजन्तो स्वस्ते स्मृता मति मतीव शुभां ददाति। भद्रम करणीयायु पर आप दोनों साइन कर दीजिए। हास भगवान ने लाज रखी। डायलॉग डायलॉग। साहिबा, मेरे को भूल तो नहीं जाओगे ना? अरे मैं तुमको कैसे भूल सकता हूँ, तुम सिर्फ मेरे दिल में नहीं, मेरे दिमाग में भी बस चुकी हो। मेरा भी यही हाल है साहिबा, मैं एक पल भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं भी, भगवान करे
આપણો સાથ જન્મ જન્મ નો સાથ હોય રચાયતી રચાયને હિન્દી હિન્દી હા હા ભગવાન કરે હમ દોનો કા સાથ જન્મ જન્મ કા સાથ હો ગુલાબો સાહેબા ઓકે ગુડ ઇટ લંચ બ્રેક देवा। अच्छा 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 तो ये शूटिंग की शादी के फोटो है। हाँ अंजलि भाभी दया बापू जी ये जो फोटो है वो शूटिंग की शादी के फोटो है। साहबा हमारी असली शादी को शूटिंग का नाम देकर पति पत्नी के पवित्र रिश्ते का अपमान मत करो। ओ यार कमाल है ये लड़की, इसका तो गड्डी का पेट्रोल खत्म ही नहीं होता, फिर से शुरू होगी। ये क्या कुछ भी बोल रही है अकल की ओथमीर, शूटिंग की शादी असली शादी कैसे हो सकती है? डफोन तू डफोन, मना किया था ना तुझे शूटिंग में जाने की क्या जरूरत थी, और गया तो गया उसमें भाग लेने की क्या जरूरत थी? सॉरी बापूजी, अकल वगैरह से उभर लिया। सॉरी बापूजी आज मुझे एहसास हो रहा है जब जब मैंने आपकी बात नहीं मानी है मैं बहुत परेशान हुआ हूँ। अरे इस बार खाली तू नहीं हम सब परेशान हुए। हे भगवान क्या जमाना आ गया है, ये महिला शूटिंग के नकली विवाह को असली विवाह बता रही है। ये भले ही शूटिंग की शादी थी पर ये शादी सच में हुई थी, सच्चे पंडित सच्चे मंत्र पढ़े थे, सच्चे फूलों का सच्चा हार हम दोनों ने एक दूसरे को सच में पहनाया था, मेरे सच्चे गले में इन्होंने सच्चा मंगलसूत्र भी पहनाया था। ये वाला देखिए कानून और धार्मिक विधि से आप ही मेरे सच्चे और इकलौते साहिबा हो। आप सच से क्यों भाग रहे हो? सबके सामने मुझे कबूल क्यों नहीं कर सकते? मैं आपकी मजबूरी समझ सकती हूँ लेकिन आप ही मेरे साहिबा हैं, ये हकीकत कोई नहीं बदल सकता। अरे भाई मैं आपका, अरे आपका काय का, मैं तेरा पति नहीं हूँ, आखिरी बार बोल रहा हूँ मैं सिर्फ दया का और सिर्फ दया का पति हूँ। कैसे नहीं हूँ, भूल गए? आपने सच्ची मैरिज सर्टिफिकेट पर अपने सच्चे दस्तखत किए सच्चे पेन से, देखिए देखिए कुछ याद आएगा देखिए। झूठ मूठ के सर्टिफिकेट को सच्चा बता रही है? झूठा है। वेरी गुड। क्या घूम ले, तेरा ये सच्चा मरा सर्टिफिकेट हता ना हता हो गया, अब बोल। मेरे पास और भी सबूत है, शादी का फोटो वीडियो सब कुछ है, इसी सबूत से आप मुझे भी लोगे, समाज कानून हमें पति पत्नी के रूप में स्वीकार करेगा। भूल गए आपने कहा था हम जन्मों जन्म के साथी हैं, कहा था कि नहीं? हाँ कहा था। अरे कहा था मतलब बापूजी वो शूटिंग में डायलॉग था, वो डायलॉग बोला था मैंने। अरे लेकिन तू शूटिंग में गया ही क्यों? मना किया था एक्टिंग नहीं करनी है और काई नहीं ने दूल्हे की एक्टिंग की। मेरे साहिबा मेरे को पत्नी क्यों नहीं मान रहे भगवान? अरे कितनी बार कहूँ मैं तेरा पत्नी नहीं हूँ, मतलब मैं तेरा पति नहीं हूँ, सिर्फ और सिर्फ दया का पति हूँ। जेठा भाई एक मिनट, इस लड़की से बहस करके ना कोई फायदा नहीं है, आप भी अपनी तरफ से इसे सबूत दे दीजिए। मैं क्या सबूत दूँ? जिस फिल्म की आपने शूटिंग की थी ना उस फिल्म की सीडी लाके इसे दिखा दीजिए। करेक्ट। हाँ हाँ उसमें तो ये शादी का सीन होगा ही ना। हाँ चुप हो गए पापा। हाँ जेठा भाई इससे अपने आप साबित हो जाएगा कि आप सच्चे हो। हाँ आप उस फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का नाम बता दीजिए, मेरे दोस्त की एक वीडियो लाइब्रेरी है वहां से मैं ये सीडी मंगवा लूंगा। अभी वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर का नाम तो मुझे नहीं मालूम है भाई। क्या सेठ जी आप भी इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हैं? फिल्म लाइन के आप पहले ऐसे हीरो होंगे जिसे अपनी फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का नाम मालूम नहीं। तुम पापा याद कीजिए, याद आ जाएगा। हाँ
अरे दया कहाँ से याद आ जाएगा, उन्होंने मुझे अपना नाम बताया ही नहीं है। तो पर क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैंने उनको पूछा ही नहीं। अरे तो पूछा क्यों नहीं? ओ बापूजी, पिक्चर में काम करने का मौका मिला, उसके उत्साह में मैंने कुछ पूछा ही नहीं, कौन डायरेक्टर है, कौन प्रोड्यूसर है, कौन पिक्चर बना रहा है, क्या पिक्चर का नाम है, क्या कहानी है, कुछ कुछ पूछा ही नहीं मैंने, कुछ पूछने का सूझा ही नहीं मुझे। तो मुश्किल हो गई ना? हाँ। ओ साहिबो, गुलाब दो। छोड़, ये सब नाटक बहुत हो गया, बड़ा दिल रख के मैं माफ कर रही हूँ, बराबर? चलो माफ करो, चलो। छोटी बहन, ये कोई नाटक नहीं है, इतने सालों में इन्हें ढूंढने के लिए 5 बार पूरा भारत भटक चुकी हूँ मैं, मुश्किल से इनका फोन नंबर मिला था, इन्हें कितने फोन भी किए मैंने पर बात ही नहीं हो पाई। निकल। पता नहीं कौन फोन कर रहा है बार बार। अच्छा तो वो सब मिस कॉल तू कर रही थी? कितनी मुश्किलों के बाद मुझे मेरे साहिबा मिले हैं, अब तो आपके चरणों में ही जिंदगी बितानी है। अरे मेरे चरणों की जगह सार्वजनिक नहीं है। अरे ये तो पीछे ही नहीं छोड़ती। और बरसों से ये पवित्र जगह मेरी है। चलो चलो अब निकलो निकलो। कहाँ जाऊँ मैं छोटी बहन? रुक, जाती नहीं। टप्पू के पापा के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। दामाद दामाद कहते कहते इनके इंतजार में मेरे मामा भी चल बसे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। एक मिनट, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि गुलाबो जी के माता पिता का देहांत हुआ है तो उनकी आत्मा की शांति के लिए हम सभी लोग 2 मिनट का मौन धारण करें। आत्माराम जी तो करम जी हो गया। हाँ ओम शांति बोल दिया ना तो मतलब हो गया। देखो शूटिंग की शादी असली शादी नहीं होती है, शूटिंग का कुछ असली नहीं होता है। अभी देखो 16 पिक्चर में लास्ट में अमिताभ बच्चन को ऐसे गोली मारते, अमिताभ बच्चन ऐसे मर जाते, तो क्या सच में मर गए? आज भी जिंदा है ना। उसके बाद कितनी सारी पिक्चर में काम किया, कितनी बार ऐसे गोली खाई, इसलिए शूटिंग का कुछ असली नहीं होता है, शूटिंग का कुछ असली मरने का नहीं। मेरी एक ही असली शादी हुई, आखिरी बार बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एक ही बार मेरी असली शादी हुई है, वो इस दया से। हाँ, मेरी एक ही पत्नी है दया। हाँ तो दया को पत्नी मानो ना, मैं उसे सौतन बनाकर अपने साथ रखने को तैयार हूँ। अरे अरे बाप रे, गुलाबो, टप्पू के पापा कोई जलेबी फाफड़ा नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ बांटू। तो देखो बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, तुम जहाँ से आई हो ना वहाँ पर वापस चली जाओ। चलो चलो निकलो अब निकलो। अरे पर ये जाती क्यों नहीं? खा
युद्ध में जब अस्त्र और शस्त्र नाकाम हो जाते हैं तो लोग ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं, और जिंदगी में जब लोग नाकाम हो जाते हैं तो क्या करते हैं? उस दिन लोग जहर का प्रयोग करते हैं। अब देखिए ना, गुलाबों के हाथ में जो शीशी है उसमें यह तय कर पाना मुश्किल है कि उसमें जहर है या कोई इत्र, क्योंकि गुलाबों मुझे बुजदिल तो कतई नहीं लगती, कायर तो नहीं है, ड्रामेबाज जरूर है और ड्रामे कर रही है नए नए। और मुझे तो इस वक्त लगता है कि गोकुलधाम एक नाटक का मंच बन गया, जहां पे अलग अलग नाटक के अंक आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहे हैं। अब देखना यह है कि उसका अगला खेल क्या होगा, कौन सा नया ड्रामा करती है ये गुलाब, और जेठा परिवार को कैसे फंसाती है। अब गड़ा परिवार को ये फंसाती है या नहीं, लेकिन आपको जरूर हंसाते रहेंगे हम। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हेलो दोस्तों, अगर आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट्स सबसे पहले चाहिए तो जाइए हमारे YouTube चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए।